हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन का, आई थिंक लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट लेक्चर है ये फंक्शन का। हम इससे पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं, लॉगरिथमिक, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल सब कुछ देख लिए, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी देख लिए। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस फंक्शन। इसमें हम सीखेंगे पीरियड, पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब हम देखते हैं क्या होता है पीरियड। पीरियोडिक फंक्शन, एफएक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, पीरियोडिक एफएक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ टी बी सम टी बी टी बी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर सच डैट एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स को पीरियोडिक तब कहेंगे, एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ टी इज द पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए, सच दैट एफ एक्स प्लस टी इस चीज को फॉलो करे। एफ एक्स प्लस टी, टी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, हम क्या देख रहे हैं? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यू है, सम टाइम इंटरवल, अगर वो फंक्शन रिपीट करे सम पीरियड के बाद, सम जैसे सम टाइम के बाद वो अगर जब रिपीट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन है। टी यहाँ पे उसका क्या हो जाता है? पीरियड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ टी बी सम रियल नंबर, सो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, सो इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? कि ये एफ एक्स, ये जो टी होता है, ये इसका पीरियड। अब हम पीरियोडिक देखें, अब हम देखेंगे पीरियड। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। यानी कि इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, टी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है? उसका पीरियड। यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फंक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल पीरियड। यानी कि हम अभी देख रहे थे, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ टी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। और जैसा कि हम देखते हैं, और पीरियड किसको कहते हैं? ये जो इसका टी का स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आए उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसका पीरियड। सो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे साइन
साइन का अगर आप देखिएगा पाई बाई टू पे वैल्यू क्या आता है, वन होता है, और साइन साइन का वैल्यू पाई बाई टू पे वन होता है, और एग्जैक्टली यही वैल्यू आप इसका साइन का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई। हाँ, साइन का वैल्यू आप पाई बाई टू पे वन देखते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसमें आप ध्यान से देखिएगा पाई बाई टू प्लस पाई, पाई बाई टू प्लस पाई पे इसका जो वैल्यू आएगा यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से क्या आ जाता है नेगेटिव माइनस वन, यानी कि किसी का भी वैल्यू आप ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो वही होता है वैल्यू जीरो, और साइन पाई पे भी वैल्यू आपका देखिए जीरो होता है, साइन टू पाई पे भी वैल्यू जीरो होता है, यानी कि कुछ टाइम इंटरवल अगर यानी कि इसका जो कुछ टाइम इंटरवल इसका वैल्यू रिपीट अगर करना शुरू करे तो वो उसका पीरियड हुआ, यानी कि सम टाइम इंटरवल, यानी कि देखिए साइन पाई बाई टू और साइन टू पाई, यहां हम देखे थे एक एग्जांपल लेके क्या लिखे थे साइन पाई बाई टू पे क्या होता है वन, एग्जैक्टली साइन टू पाई प्लस पाई बाई टू पे भी वैल्यू वन होता है। तो ये जो ये वैल्यू आया ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉजिटिव होना चाहिए और वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वही उसका क्या कहलाता है पीरियड, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो इसमें देखिए कि पाई बाई टू पे भी वही है, टू पाई प्लस पाई बाई टू पे भी वन है, यानी कि इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज टू पाई, ये इसका क्या हो जाएगा दैट इज पीरियड। अब देखिए थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन होता है, यानी कि सेम वैल्यू, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन टू पाई प्लस पाई बाई टू, यानी दोनों पे वैल्यू सेम है, तो ये जो टू पाई स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आ रहा है ये इसका पीरियड कहलाता है, यानी कि सम टाइम इंटरवल बाद अगर फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करे, यानी फंक्शन अपना मतलब प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट करे, तो वो जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है, और वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड या पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, इसको फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं। और इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है यानी साइन पाई बाई टू पे और टू पाई प्लस पाई बाई टू पे दोनों पे वैल्यू वन आता है, यानी कि दोनों पे यानी ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है अगर ये पाई पे भी आ जाता तो इसका पाई हो जाता, पाई पीरियड हो जाता, यानी टू पाई से कम में भी अगर रिपीट कर रहा है तो उसका पीरियड होता है, लेकिन टू पाई के बाद ये क्या फंक्शन का वैल्यू रिपीट करता है, तो रिपीट करता है तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन और कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, और एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, ये तो देख लिए। अब हम इसका पीरियड का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, और सबका पीरियड, सबका फंडामेंटल पीरियड, इसको पीरियड भी दो नाम देते हैं, इसी का नाम क्या देते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, यानी पीरियड किसी का हम कैसे निकालेंगे तो उसका एफ एक्स एक्स प्लस टी, और मतलब सम टाइम ये पॉजिटिव टी पॉजिटिव होना चाहिए और टी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट का ही नाम हम लोग क्या देते हैं पीरियड। यहाँ तो फोर पाई, आप ध्यान से देखिए साइन फोर पाई प्लस पाई बाई टू, इसका भी वैल्यू साइन पाई बाई टू के बराबर होता है, साइन सिक्स पाई प्लस पाई बाई टू, इसका भी वैल्यू साइन पाई बाई टू के बराबर होता है,
पाई बाई टू बराबर होता है, तो ये 6π 4π ये इसका पीरियड नहीं कहलाएगा, जबकि वैल्यू साइन पाई बाई टू के बराबर ये इस चीज को शो कर रहा है ना, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू एफ एक्स के बराबर, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है यानी कि 2π ही पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि 2π सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इसका स्मॉलेस्ट जो रहे, जैसे कि 6π पे भी वही आता है, 4π पे भी वही आता है, लेकिन 2π इसमें सबसे छोटा है। सो आंसर इज, इसका अगर पीरियड कहे तो द पीरियड ऑफ द फंक्शन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द पीरियड, और फंडामेंटल पीरियड भी हम इसका नाम देते हैं। तो इसका एक टॉपिक छूट रहा था, दैट इज पीरियड। तो पीरियड आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, साइन का पीरियड क्या होता है, 2π, एग्जैक्टली कॉस का भी, तो सारा का हम अब पीरियड देखेंगे। तो पीरियड क्या होता है, जिस टाइम इंटरवल बाद वो अपना वैल्यू रिपीट करे, साइन अपना वैल्यू रिपीट करे, तो उस वैल्यू को, वो उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन या फंडामेंटल पीरियड। अब हम देखते हैं सबका पीरियड यानी कि फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, अब फंडामेंटल पीरियड में सबका पीरियड हम आपको लिखा देते हैं, साइन एक्स का पीरियड पीरियड साइन का हो जाता है 2π, कॉस एक्स का भी हो जाता है 2π, टेन एक्स का क्या हो जाता है, पाई, कॉट एक्स का ये भी पाई, यानी ये पाई के बाद रिपीट कर जाता है, और बाकी एक क्या बचा है, साइन का, कॉस का, और बाकी उस दोनों का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका भी सीखेंगे। अब ये हम देखते हैं, उसका भी देखेंगे, अब पहले हम इसका देख लेते हैं, और इसका हम क्यों 2π है ये हम पहले देखते हैं, साइन का 2π क्यों है ये देखते हैं। साइन का अगर आप ग्राफ बनाना सीखे होंगे तो आप देखिए, 0 पे 0, और ये देखिए, यहां से वैल्यू शुरू किया, फिर एग्जैक्टली यहीं पे आया, फिर ये वैल्यू यही रिपीट कर रहा है, फिर देखिए ये वाला और ये वाला दोनों, तो ये 0 है, ये पाई है, ये आपका 2π है, यानी 2π के बाद ये फंक्शन फिर से मतलब रिपीट कर रहा है, यानी कि ये जो इंटरवल है ये इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है, अब यही वाला फंक्शन अब आगे रिपीट कर जाता है, तो ये इतना से इतना के बीच में ये जो फंक्शन है ये अपना पीरियड शो करता है, यानी कि इसके बाद फिर ये यही ग्राफ फिर आगे साइनोसाइडली बनते रहता है, यानी कि इसका अगर पीरियड है 2π, क्योंकि 0 से 2π तक ये देखिए डिफरेंट बन रहा है, और उसके बाद ये वाला फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, यानी कि ये इसका क्या हो गया, पीरियड, यानी कि साइन का पीरियड 2π है, क्योंकि 2π बनने के बाद ये जो है फंक्शन हमेशा रिपीट करते हैं। छोटा सा बना देते हैं, देखिए यहाँ तक, दिस इज पाई, दिस इज 2π, दिस इज 3π, दिस इज 4π, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है यही ग्राफ फिर आगे एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि इसका जो है जो वैल्यू है वो रिपीट कर रहा है, कितना पे रिपीट कर रहा है, 2π पे, 4π पे, इसका हम बड़ा सा बना देते हैं। साइन का पीरियड 2π,
ये आपका फिर से शो कर रहा है आपका ये, यानी कि ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, यानी कि देखिए यहाँ तक ये यही वाला जो है सेप फिर से रिपीट कर रहा है, यानी कि साइन का जो फंडामेंटल पीरियड है, यानी कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है, यानी 2 पाई के बाद यही वाला ग्राफ फिर क्या है वापस से रिपीट कर रहा है, यही वाला देखिए फिर से यहाँ वाला, यही वाला यहाँ से फिर यहाँ जाके, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा ये 2 पाई होगा एग्जैक्टली। इसका हम कॉस का भी देखेंगे, तो ये साइन का क्लियर हो गया कि यहाँ के बाद फिर से ये फंक्शन क्या रिपीट कर लेता है, इसीलिए इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। अब हम कॉस का देखेंगे, उसके बाद हम टेन का देखेंगे, फिर कॉट का देखेंगे, साइन का देख लिए, और अब हम कॉस का देखेंगे, कॉस एक्स वाई बराबर कॉस एक्स। इसका अगर ग्राफ आप बनाते हैं तो देखिए इसका ग्राफ भी 2 पाई के बाद फिर से रिपीट करेगा, तो यहाँ से ये क्या है पाई बाई टू, ये पाई और ये पाई बाई टू पे जीरो, और उसके बाद किस पे ये 3 पाई बाई टू पे जीरो, उसके बाद फिर ये 5 पाई बाई टू पे जीरो, ऑड मल्टीपल पे जीरो। असाइन क्या होता है, हर एक एन पाई के मल्टीपल में जीरो, तो यहां से देखिए 3 पाई और यहाँ करीब करीब ये 2 पाई रिपीट कर रहा है, फिर इसका जो फंक्शन है ऊपर गया फिर नीचे आएगा, ये कहाँ 7 पाई पाई टू पे फिर कट करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा डेट इज 3 पाई, फिर से ये वाला फिर ऊपर जाएगा। तो आप देखिए कि 0 से 2 पाई यहाँ आ गया, 0 से 2 पाई के बाद यही वाला फंक्शन यहाँ से जो शुरू हो रहा है यही वाला फंक्शन फिर रिपीट किया, तो यानी कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। इसका 2 पाई के बाद देखिए यहाँ से ये यहाँ के बाद वही वाला जो है यहाँ से फिर से शुरू, यहाँ से जैसे नीचे जा रहा था यहाँ से फिर वापस से ये रिपीट करना शुरू करता है, उसके बाद ये इसका फंक्शन आ गया, तो इट इज़ पीरियोडिक क्योंकि ये फंक्शन रिपीट कर रहा है यहाँ के बाद आने के बाद। देखिए यहाँ से फिर से यही वाला नीचे आ रहा था तो यही वाला नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यानी कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा 2 पाई एग्जैक्टली। हम 10 का भी देखेंगे और फिर हम कॉट का देखेंगे, सेक और कॉसेक का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे वो भी पीरियोडिक होता है अपने रेंज में, पीरियोडिक वो भी ये देख रहे थे। अब हम 10x का देखेंगे, वाई बराबर 10x का ग्राफ देखेंगे, ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है वो हम ग्राफ से देखेंगे, 0 पे 10 0 0 और ये पाई बाई टू पे इन्फिनिटी शो कर रहा है, एग्जैक्टली ये पाई बाई टू, और फिर इसका ग्राफ पाई पे जीरो होता है, ये पाई बाई टू है, दिस इज पाई, पाई पे ये जीरो होता है, तो यही फंक्शन फिर यहाँ से नीचे से यही वाला ग्राफ फिर यहाँ से पाई पे जीरो होगा, फिर ये किस पे जीरो होगा 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, ये सब पे ये जीरो हो रहा है। ये देखिए फंक्शन है, ये क्या है वाई बराबर 10x का फंक्शन है, और ये रिपीट करते हुए फिर ये आपका 3 पाई बाई टू होगा,
थ्री पाई बाई टू पे, फिर ये क्या शो करेगा, इन्फिनिटी, यानी ये गोज टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ से आपका यहाँ पे टू पाई होगा, टू पाई पे क्या शो करता है, जीरो, फिर ये आगे फंक्शन इसका बनाते जाइए, ये देखिए फिर से जीरो से पाई तक जो आया ग्राफ, जीरो से पाई तक, वही देखिए यहाँ से इसका रिपीट कर रहा है, देखिए पाई तक ये और ये पाई तक का ग्राफ ये आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि इसके बाद इसका वैल्यू रिपीट करता है, देखिए फिर ये यहाँ से शुरू हो गया, ये देखिए ये वाला फंक्शन फिर से वापस से रिपीट किया, फिर नीचे से फिर ऊपर आया, फिर देखिए ये यानी कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है, पाई, क्योंकि पाई के बाद इसका फंक्शन यहाँ से देखिए फिर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर देखिए यही वाला फंक्शन यही वाला रिपीट किया, फिर वापस से ये नीचे वाला, फिर वापस से ये नीचे वाला, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, दैट इज पाई। एग्जैक्टली यही वाला कोट में भी चलेगा, कोट का भी क्या होता है, पाई ही होता है। और अगर आप कोसेक का देखें, कोसेक का उसका क्या होता है, टू पाई, याद रखिएगा। और वैसे सेक का भी टू पाई ही होता है, यानी कि अगर साइन टेन और कोट का पाई होता है, बाकी सबका क्या होता है, टू पाई होता है। और अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो मेरा देखे होंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप पीरियड देखिएगा, यानी इसका अगर आप पीरियड देखेंगे ये भी फंक्शन, तो इसका इसका पीरियड जो होता है आई थिंक वन होता है, यानी कि इसका जो पीरियड होता है वो वन होता है। एक्चुअली में इसका पीरियड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये एक्चुअली में होता है फ्रैक्शनल एक्स, इसका पीरियड एक्चुअली में वन होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ये फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड, फ्रैक्शनल फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शनल फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड वन, यानी कि इसका पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड वन होता है, और कोसेक्स का पीरियड क्या होता है, दैट इज टू पाई, सेक एक्स का पीरियड इसका भी ये होता है, बाकी का हम सब का देखेंगे, ये तो हम बस बता रहे हैं कि इसका ये होता है। जैसे टेन एक्स का देखिए यही ग्राफ वापस से फिर रिपीट किया यहाँ से, फिर यही वाला एकदम सेम, यही वाला सेम, यानी कि अगर फंक्शन रिपीट करे इन सम टाइम, मतलब सम स्मॉलेस्ट टाइम, वो टाइम नहीं उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू के बाद, तो ये पाई के बाद देखिए यहाँ के बाद फिर से यही फंक्शन बन रहा है, तो ये पाई इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड इसका पाई हो जाएगा। एग्जैक्टली कॉट का भी पाई होता है, और फ्रैक्शनल एक्स का याद रखिएगा वन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का वन होता है, यानी कि वन के बाद ये अपना फंक्शन क्या रिपीट करता है, यानी इट्स रिपीट इन, ये रिपीट इस अपना करता है कब, अब जैसे कि हम इसका देख रहे थे, अब टेन एक्स का देखें तो वाई बराबर अब कॉट एक्स का देख लेते हैं, उसका भी पीरियड क्या होता है, आप अगर कॉट एक्स का ग्राफ जानते होंगे तो वो उसका भी पाई होता है, तो कॉट एक्स जीरो पे एक्चुअली में इन्फिनिटी होता है, और ये एक्चुअली में वन कब होता है, जीरो पे इन्फिनिटी शो करता है, ये कुछ ऐसा आएगा, और उसके बाद फिर ये पाई बाई टू पे, जीरो पे इन्फिनिटी शो कर रहा है, पाई बाई टू पे, और फिर ये ऑड मल्टीपल, यानी कि क्या ये पाई बाई टू पे कट किया, फिर किस पे कट करेगा, थ्री पाई बाई टू पे, ये पाई बाई टू यहाँ पे, फिर थ्री पाई बाई टू,
थ्री पाई बाई टू पे ये क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी शो करेगा, और जीरो किस पे शो करेगा, जीरो कॉस ऊपर कॉस बाय साइन है तो ये जीरो इस पे शो कर रहा है पाई बाई टू पे, फिर ये जीरो थ्री पाई बाई टू पे, और ऐसे ही आपका ये फंक्शन होगा। ये जीरो पे है एग्जैक्टली, ये ऐसे ग्राफ इसका जाएगा, फिर ये थ्री पाई बाई टू पे, फिर ये इन्फिनिटी शो करेगा। इसका बढ़िया से बना देते हैं आपको। आइए देख रहे थे कॉर्टेक्स का ग्राफ। तो कॉर्टेक्स का ग्राफ में ये पाई पे, जीरो पाई पे ये आपका ये फिर पाई पे इन्फिनिटी शो करता है, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर ये ग्राफ है यही वाला, देखिए जीरो से पाई के बीच में जो बना है वही वाला फिर रिपीट करेगा, फिर अब वापस से ऊपर से ही आएगा। ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, एग्जैक्टली यही वाला फंक्शन फिर रिपीट करेगा, फिर आ जाएगा आपका ये टू पाई, टू पाई पे फिर ये इन्फिनिटी शो करेगा। यानी कि ये देखिए यही वाला फंक्शन फिर रिपीट कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड इस पाई, क्योंकि पाई के बाद यहाँ से जो यहाँ तक ग्राफ आया यही वाला ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ऐसे ऐसे ग्राफ रिपीट कर रहा है। ये कॉर्टेक्स का ग्राफ है, ये वाई बराबर कॉर्टेक्स का ग्राफ है जिसका पीरियड पाई दिख रहा है, क्योंकि पाई के बाद फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर देखिए फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, यानी कि यही वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट। सो इट इज पीरियोडिक विथ पी, विथ इट्स पीरियड इज पाई, क्योंकि पाई के बाद फिर से ये फंक्शन क्या होता है, रिपीट कर रहा है। तो टेन कॉर्टेक्स का हम पीरियड देख लिए, डेट इज क्या है, कॉर्टेक्स का पीरियड हम देखें, डेट इज पाई, क्योंकि पाई के बाद इसका क्या है, जो वैल्यू है रिपीट कर रहा है। ये देखिए यहां से आया पाई बाई टू, फिर ये देखिए दिस इज पाई, फिर ये पाई पे आके ये इन्फिनिटी शो कर रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी शो कर रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी शो कर रहा है, फिर देखिए यहाँ से पाई के बाद फिर ये फंक्शन यहीं से शुरू हो जाएगा वापस से, ये किस पे कट करेगा, थ्री पाई बाई टू पे, फिर ये टू पाई पे इन्फिनिटी शो करेगा, डेट इज इन्फिनिटी। सो ये इतना के बाद फिर से वापस वही फंक्शन बन जाता है पीरियड। सो इट्स फंडामेंटल पीरियड इज डेट इज पी, और उसके बाद कॉस एक्स कॉट याद रखिए, इसका हम बाकी सबका बता दिए, बाकी सबका हम इसका ग्राफ थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, और हम अगर आपको ग्राफ इसका देखना है तो हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, और याद रखिएगा फ्रैक्शनल एक्स, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड क्या होता है, वन, ये हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल एक्स का जो पीरियड होता है हमेशा वन होता है। क्यों वन होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ का हम शेप बनाएंगे तो देखिएगा आप कि ये वन के बाद हमेशा रिपीट करते रहता है। ये देखिए इसका इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, ये देखिए वन टू थ्री फोर एग्जैक्टली, इधर नेगेटिव साइन में भी ऐसे, फिर सो ये हमेशा क्या रिपीट कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ तक जो है वही ये वाला है, वही ये वाला है। सो इट इज इट्स फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड इज वन, क्यों, क्योंकि वन के बाद जीरो से वन के बीच में फिर ये फंक्शन वही रिपीट कर रहा है, जो ये है वही ये है वही ये है यही ये है, यानी कि ये वन के बाद ये
हमेशा रिपीट करता है, सो इट इज रिपीटिंग विथ इट्स पीरियड वन, क्योंकि वन के बाद देखिए इसका क्या, देखिए यहाँ तक जो ग्राफ बना है वही ग्राफ ये है, फिर वही ग्राफ ये है, फिर वही ग्राफ, देखिए नेगेटिव में दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू, और अगर माइनस थ्री में हम देखेंगे तो यही वाला, यानी कि सम के केस में इसका क्या है, ये पीरियड है, इसका पीरियड का वैल्यू क्या है, दैट इज वन, वन के बाद ही एग्जैक्टली वन के बाद जो आता है यही से फिर रिपीट कर रहा है, सो इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ इट्स पीरियड वन। आगे हम देखते हैं, अब हम थोड़े से साइन कॉस टेन और कॉसेक सबका देख लिए, कॉसेक्स का क्या होता है, कॉसेक्स का कॉसेक्स वाई बराबर कॉसेक्स का इसका पीरियड आप याद रखिएगा टू पाई, और सेक एक्स का इसका भी पीरियड टू पाई, ये आप याद रखिए, इसका हम अभी ग्राफ नहीं बताएंगे, और अगर ग्राफ इसका देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में हम इसका सारा का ग्राफ डिस्कस किए, वहां जाके देख लीजिए। और अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इसका अगर हमसे पूछे साइन स्क्वायर एक्स या मॉड एक्स वाई बराबर दैट इज मॉड एक्स, इसका अगर आपसे ग्राफ पूछे कि वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, वाई बराबर मॉड एक्स का अगर पीरियड पूछा, मॉड एक्स का पीरियड, तो हम अभी साइन एक्स का पीरियड क्या जान रहे थे, टू पाए, लेकिन इसका पीरियड सिर्फ पाए हो जाएगा, अगर आपसे किसी भी पॉजिटिव का यानी कि इसका कुछ भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, पाई आएगा, यानी कि इसका पीरियड पाई होता है, क्यों होता है ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो है हम बता रहे थे सारा का हम आपको बताए हैं विथ ग्राफिकल अप्रोच, अब इसका जो वैल्यू आता है ये जीरो से पाई के बीच में, और अगर इसका ग्राफ आप बनाइएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, दिस इज पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, यानी कि क्या पाई के बाद इसका के जो ग्राफ है वाई बराबर, ये किसका ग्राफ है, वाई बराबर मॉड साइन एक्स, ये किसका ग्राफ है, वाई बराबर मॉड साइन एक्स के ग्राफ, इसमें देखिए जीरो टू पाई के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ पाई से टू पाई के बीच में बन रहा है, वही ग्राफ पाई से थ्री पाई के बीच में बन रहा है, वही ग्राफ थ्री पाई पर, तो इसका क्या पीरियड अगर आएगा, इसका कहेगा फंडामेंटल पीरियड इज पाई, क्योंकि पाई के बाद इसका जो वैल्यू है वो रिपीट कर रहा है, और अगर एग्जैक्टली आपका साइन स्क्वायर एक्स का भी अगर पूछे कि पीरियड क्या होगा, उसका भी पाई होगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव जैसे नेगेटिव नीचे आता ना तो नीचे का ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो इसका साइन का ही हो गया ये, तो एग्जैक्टली कॉस का भी यही होगा क्या, पाई, तो हम क्या कर रहे हैं वाई बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है विथ इट्स पीरियड, पीरियोडिक बनता है, और पीरियड क्या होता है पाई, और ऐसे ही हम किसका देखेंगे, अब कॉस एक्स का देख लेते हैं, वाई बराबर कॉस एक्स का मोड, इसका भी देखिए पाई ही होता है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से ये पाई बाई टू, फिर यहाँ से ये आया तो क्या हुआ, दिस इज पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, यहाँ पाई, तो इसका जो ग्राफ है नीचे नहीं जाके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला जो हम लोग नीचे ले जाते थे ये नीचे नहीं ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, जैसे साइन वाले में हम बताए थे ना, तो ये नीचे नहीं जाके ऊपर चला जाएगा, तो इसका देखिए क्या पाई के बाद इसका देखिए फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिए ये पाई बाई टू है, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाई टू, दिस इज टू पाई, तो यहाँ देखिए कि जो जीरो से पाई के बीच में बन रहा है यही ग्राफ, यानी ये वाला ग्राफ, यही ग्राफ
फिर वापस से यही रिपीट कर रहा है। सो इट्स फंडामेंटल पीरियड इज पाई, क्योंकि पाई के बाद ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है यही ग्राफ ये वाला बन गया। सो इट्स पीरियड इज पाई, क्यों? और अभी हम साइन एक्स का देखे थे, मॉड साइन एक्स का क्या देखे थे, जो नीचे जाता है ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो नीचे जा रहा था नीचे वाला, इसको हम लोग क्या, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नीचे वाला ऊपर ट्रांसफर हो गया, यानी नीचे वाला खत्म। एग्जैक्टली यही फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट। दिस इज पाई, दिस इज टू पाई, दिस इज थ्री पाई, दिस इज फोर पाई। सो इट्स फंडामेंटल पीरियड इज क्या, पाई। पाई के बाद देखिए यहाँ से फंक्शन रिपीट कर रहा है, जो नीचे जाने वाला था वो एक्चुअली में नीचे नहीं जाके ऊपर चला जाता है, इसलिए इसका पीरियड जो है हाफ हो जाता है। कब हो जाता है, जब ये मॉड के अंदर रहे। सो पीरियड का हम बहुत सारा देखें और हम फिर आगे भी देखेंगे। आइए हम अब देखेंगे पीरियड का, हम सारा चीज देख लिए थे सारा का पीरियड, अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ टू फंक्शन, दैट इज पीरियड ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। अब दो अलग अलग फंक्शन का हम कंबाइंड एंड जी एक्स, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, और हम दोनों का कंबाइंड क्या देखेंगे, पीरियड, पीरियड ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। अगर एफ एक्स एंड जी एक्स का हम पीरियड निकालें दो अलग अलग फंक्शन का, तो हम कैसे निकालेंगे, एफ एक्स का पीरियड ऑफ एफ एक्स का पीरियड निकालेंगे और एंड पीरियड ऑफ जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स का पीरियड का हम क्या निकालेंगे, दोनों का पीरियड का हम निकालेंगे एलसीएम, यानी कि इस दो अलग अलग फंक्शन का अगर हम पीरियड निकालते हैं और कंबाइंड हम पीरियड निकालते हैं, तो इसका पीरियड निकालो और इसका पीरियड निकालो और दोनों का क्या कर दो, एलसीएम, मतलब दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो अगर सोचिए कि एक फंक्शन का पीरियड पाई है और एक का पीरियड वन है, तो सोचिए कि एक पाई है एक वन है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये रेशनल, ये रेशनल और इरेशनल का कभी भी एलसीएम तो आ ही नहीं सकता है। तो एलसीएम अगर आ नहीं सकता है तो एक पाई और वन, यानी कि अगर सोचिए कि टेन एक्स का पूछ दे और ये रहेगा आपका क्या, फ्रैक्शनल एक्स, तो फ्रैक्शनल एक्स का क्या होता है, पीरियड वन होता है, और टेन का एक्स का क्या होता है, पाई होता है, और ये दोनों का अगर पूछे तो आप कहिएगा कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, यानी कि इसका जो पीरियड होगा वो कभी डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई और वन दोनों एक इरेशनल है और एक रेशनल है, दोनों का एलसीएम हम नहीं निकाल सकते हैं। सो इसका पीरियड, अगर दो अलग अलग फंक्शन का पीरियड निकालना है तो दोनों के पीरियड का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम, दोनों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एक इरेशनल हो और एक रेशनल हो तो दोनों का तो हम पीरियड कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। सो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कब, जब एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो। सो हम अब पीरियड देखते हैं टू फंक्शन का, अगर हमको पीरियड निकालना है तो दोनों का क्या हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। अब हम इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक वाई बराबर मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, इसका अगर हमको पीरियड निकालना है
मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड आपको पता है क्या आता है? पाई। इसका भी पीरियड आपको पता है? पाई। पाई पाई का क्या, अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या ओवरऑल क्या आ जाएगा? पाई। सो इस फंक्शन का अगर पीरियड पूछे वाई बराबर मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, तो इसका पीरियड क्या होता है? पाई। इसका भी क्या होता है? पाई। पाई पाई का अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? पाई। और यही आपसे अगर पूछ देता यहाँ पे साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स, यहाँ मॉड कॉस एक्स है, तो इसका पीरियड क्या होता है? टू पाई। और इसका पीरियड क्या होता है? पाई। तो अगर आपसे पूछता कि ये दोनों का क्या पीरियड निकालो, तो पीरियड इसका क्या होता है? टू पाई, और पाई का एलसीएम निकालेंगे दैट इज टू पाई। तो इस बार पाई नहीं होगा, इस बार क्या हो जाएगा? टू पाई, क्योंकि इसका क्या होता है पीरियड? दैट इज पाई। पाई और इसका क्या होता है? इसका टू पाई, इसका पाई, दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? टू पाई। सो ओवरऑल क्या आया? टू पाई। यानी कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, इसका अगर पीरियड आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? टू पाई। क्या निकालते हैं दोनों का? हम एलसीएम निकालते हैं, अगर पीरियोडिक हमको निकालना है तो। और इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं डेट इज, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस एक्स का मॉड का ओवरऑल मॉड निकालें। इसका आपका क्या निकालना है? पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का आपको पीरियड निकालना है, और ऑप्शन में आपका दिया गया है पाई बाई टू, पाई, टू पाई, नन। इसका आपको पीरियड निकालना है। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, ओवरऑल इसका पीरियड निकालना है, और ऑप्शन में आपका पाई, पाई बाई टू, टू पाई। सोचिए, आई थिंक आप बना लिए होंगे। वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई करें। देखिए इसका क्या होता है? पाई। इसका क्या होता है? पाई। तो ओवरऑल क्या होगा? पाई। यानी कि ऑप्शन पी इज द राइट आंसर, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका भी पाई निकालो, उसका भी पीरियड। और जब भी मॉड लग जाता है किसी भी फंक्शन में तो उसका पीरियड हमेशा हाफ हो जाता है। जैसे साइन एक्स का अगर पीरियड देखेंगे तो टू पाई होता है, लेकिन मॉड साइन एक्स अगर लग गया तो इसका पीरियड क्या हो जाता है? पाई। कॉस एक्स का है, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है? टू पाई होता है, लेकिन मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई होता है। सो इसमें इसका पाई, इसका पाई, तो दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या आया? पाई। लेकिन उसके बाद भी इसका मॉड निकालना है, तो मॉड किसी का भी पीरियड को हाफ कर देता है, यानी कि किसी का पीरियड को आधा कर देता है। तो इसका जो पीरियड पाई, इसका भी पाई। मॉड साइन एक्स का क्या होता है? पाई। तो पाई और इसका भी पाई का एलसीएम तो क्या हुआ? पाई। इसका भी पाई, इसका भी पाई, पाई पाई का एलसीएम निकाले तो पाई है, लेकिन इस पे मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये नहीं होके आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी इसका अगर पीरियड पूछे तो इसका पीरियड क्या हो गया? पाई बाई टू। यानी कि पीरियड ऑफ दिस फंक्शन पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, इसका अगर पीरियड पूछे तो क्या आता है? पाई बाई टू, क्योंकि इसका पाई, इसका पाई, तो ओवरऑल पाई। और उसका ये ओवरऑल, ये देखिए ये आपका क्या लग रहा है?
मॉड, तो मॉड क्या करता है, किसी का भी जैसे साइन का पीरियड क्या कर देता है, पाई कर दिया, कॉस का भी पाई कर दिया, तो इसका भी आधा कर देगा, तो इसका पाई और इसका पाई, तो ओवरऑल क्या आया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई, लेकिन ये मॉड है इसको आधा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू, तो इसका जो पीरियड आया वो क्या आया पाई बाई टू। सो और हम इस पे बेस्ड एक आध प्रॉब्लम करेंगे।